जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है यूपी बोर्ड क्लास बाय इमरान। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि 1 जनवरी से 31 मार्च 2021 के मध्य पूरे किए जाने वाले 25 विशेष कोर्सेज के सॉल्यूशन हमारी YouTube चैनल पर आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग कोर्स 5 जिसका नाम है बच्चों की कक्षा में सक्रिय भागीदारी, इसकी प्रश्नोत्तरी हम आपको उपलब्ध कराने जाते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहते हैं कि इस मॉड्यूल पे केवल 3 हिस्से हैं, और जैसे कि अभी तक के मॉड्यूल थे कि वहाँ पर एक हिस्सा ये भी होता था कि अपनी समझ को जांचें, यहाँ पर ऐसा कोई भी हिस्सा अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपको केवल गतिविधियों के ही जवाब देना है, मुख्य प्रश्नोत्तरी यहाँ पर एब्सेंट है। आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं भाग एक की ओर। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि आपको ये कोर्स दीक्षा एप्लीकेशन में लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन के द्वारा दिया जा रहा है, और भाग एक का नाम है सीखना, सिखाना और सक्रिय भागीदारी। आइए चलते हैं इस भाग की पहली प्रश्नोत्तरी की ओर। पहले भाग को कुल 15 खंडों में विभाजित किया गया है। जब आप पहले भाग को प्रारंभ करेंगे तो पहले 3 खंड में आपको वीडियो के जरिए जानकारी दी जाएगी, और चौथे खंड में आप देख रहे हैं साइड पर लिखा हुआ है 4/15, चौथे खंड में आपका प्रश्नोत्तरी आएगी। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके अनुसार कक्षा में सीखने सिखाने की प्रक्रिया को प्रभावशाली कब माना जा सकता है। एक से अधिक विकल्प का चयन कर सकते हैं। पहला विकल्प है जब बच्चों के स्तर, रुचि, संदर्भ के अनुसार उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाई जाए। दूसरा विकल्प है जब बच्चे कक्षा में सक्रिय तरह से भाग लें। तीसरा विकल्प है जब बच्चे चुपचाप बैठकर शिक्षक की बातें सुन रहे हों। आपको सही विकल्प का चयन करके सबमिट बटन दबाना है। दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं कि विकल्प एक और विकल्प दो का चयन आप सही उत्तर के रूप में कर सकते हैं, अर्थात जब बच्चों के स्तर, रुचि, संदर्भ के अनुसार उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाई जाए, और दूसरा है जब बच्चे कक्षा में सक्रिय तरह से भाग लें। सबमिट बटन दाबेंगे, आप अगले भाग की ओर प्रोसीड हो जाएंगे। दोस्तों, अगला प्रश्न आपको 6वें खंड में मिलेगा। आप साइड पर देखेंगे 6/15 लिखा हुआ है। प्रश्न है आपके अनुसार बच्चे किन किन गतिविधियों में सक्रिय रूप से जुड़े होते हैं। पहला अपनी राय देना, दूसरा है दोहराना, तीसरा है कक्षा शिक्षक को बोर्ड पर लिखते हुए देखना, चौथा किसी की कॉपी से काम उतारना, पांचवा है समूह में चर्चा करना, छठवां है कहानी कविता सुनाना, सातवां है प्रश्न पूछना, आठवां है पढ़ना, नौवां है लिखना और दसवां है सोचना। जाहिर सी बात है कि आप यहां पर भी एक से अधिक विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो देखते हैं भाई इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। जैसा कि आप सभी ने अनुमान लगाया होगा कि दूसरे, तीसरे और चौथे विकल्प को छोड़ करके बाकी सारे जितने भी विकल्प हैं उनमें बच्चे सक्रिय रूप से जुड़े होते हैं, अर्थात पहला विकल्प, पांचवा विकल्प, छठवां, सातवां, आठवां, नवां और दसवां विकल्प पूरी तरीके से सही है। तो आप 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पे टिक कर दें, और ये जो रेड से क्रॉस लगा हुआ है ये आप नहीं बना पाएंगे। आपको केवल सही विकल्पों पे चयन करना है, इसके बाद आप सबमिट बटन दाब करके अगले भाग की ओर प्रोसीड हो जाएंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कहां पर है। बच्चों, पहले भाग के 15वें खंड पे आपको अगला क्वेश्चन मिलेगा जो है अपनी समझ को परखें। भाषा की कक्षा के 4 अध्यापक कक्षा में अलग अलग गतिविधियां करवा रहे हैं, इनमें से किन गतिविधियों में बच्चों की सक्रिय भागीदारी सबसे अधिक होगी। आप एक से अधिक विकल्प चुन करके सबमिट बटन दाबेंगे। नंबर एक है रोजा जी की कक्षा के बच्चे एक दूसरे को कहानियां सुना रहे हैं। दूसरा विकल्प है मिताली जी की कक्षा में बच्चे पर्यायवाची शब्द याद कर रहे हैं। तीसरा है अजीत जी के बच्चे समूह में पढ़ाए गए पाठ का चित्र संयोजन बना रहे हैं। और चौथा है राजा जी अपने बच्चों के साथ मिलकर हाव भाव के साथ कविता गा रहे हैं। आपको सही विकल्प का चयन करना है और इसके बाद आपको सबमिट बटन दाब देना है। जैसा कि आपको पता है कि आपको बताना है कि बच्चे की सक्रिय भागीदारी कहां पर अधिक होगी, तो मेरे ख्याल से आपने सही उत्तर का चयन अपने दिमाग में पहले से ही कर लिया होगा। आपका उत्तर जब हमारे वीडियो में बताए गए उत्तर के साथ मैच करेगा, यह आपके कॉन्फिडेंस लेवल को और भी ज्यादा इंक्रीज करने वाला है।
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आपके सामने है। सही उत्तर के रूप में तीन विकल्पों का चयन किया गया है, पहला विकल्प, तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प। अर्थात ये जो तीन विकल्प हैं इन पर लिखी हुई जो गतिविधियां हैं, एक तो कहानियां सुना रहे हैं बच्चे एक दूसरे को, और अजीत जी की कक्षा में समूह में पढ़ाए गए पाठ का चित्र संयोजन कर रहे हैं, और रजा जी की कक्षा में बच्चों के साथ रजा जी मिलकर के जो हाव भाव कर रहे हैं और कविता गा रहे हैं, इसमें बच्चों की सक्रिय भागीदारी सबसे ज़्यादा रहेगी। आइए देखते हैं। इस तरीके से ये भाग एक पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। बच्चों की कक्षा में सक्रिय भागीदारी का भाग दो आपके सामने प्रस्तुत है। भाग दो का नाम है कक्षा कालांश में सक्रिय भागीदारी का समय। आइए देखते हैं कि भाग दो की प्रश्नोत्तरी कहां पर है और इसे किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। दोस्तों भाग दो में टोटल 16 हिस्से हैं और पहला प्रश्न दूसरे हिस्से में आपको मिलेगा। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि क्या आपके अनुसार 45 मिनट की एक पूरी कक्षा कालांश के समय में बच्चे सक्रिय रूप से जुड़े होते हैं। आप एक विकल्प चुनकर के अपना उत्तर दे सकते हैं, और यहाँ पर दो विकल्प दिए गए हैं, हाँ या नहीं। तो डेफिनेटली यदि 45 मिनट की कक्षा है तो बच्चे उसमें 45 मिनट सक्रिय रूप से नहीं जुड़े रह सकते, तो यहाँ पर आप नहीं विकल्प का चयन कर लें, सबमिट बटन दाबें और अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड हो जाएं। भाग दो का अगला प्रश्न 9वें नंबर पर या 9वें खंड में आपके सामने आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि आप आशीष जी की कक्षा को देखकर क्या कह सकते हैं। आप एक से अधिक विकल्प का चयन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इससे पूर्व के भाग में आशीष जी की कक्षा से रिलेटेड कोई वीडियो आपको दिखाया गया होगा। पहला विकल्प है, इस कक्षा में सभी बच्चे शिक्षक के द्वारा करवाई जा रही गतिविधियों से सीख रहे हैं। दूसरा विकल्प है, कक्षा में जो बच्चे आगे बैठे हुए हैं वे नियत रूप से गतिविधियों में जुड़े हुए हैं। और तीसरे विकल्प में है कि कक्षा में सभी बच्चे पूरे समय नियत रूप से गतिविधि के साथ जुड़े हुए हैं। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। वीडियो में अवलोकन के दौरान हमने पाया था कि आशीष जी की कक्षा में जो बच्चे आगे बैठे हैं वो नियत रूप से गतिविधियों में जुड़े हुए हैं। अर्थात आप दूसरे विकल्प का चयन कर लें, सबमिट बटन दाबें और आप अगले भाग की ओर बढ़ जाएंगे। इस भाग का अगला प्रश्न 16वें नंबर में आपके सामने आएगा। क्वेश्चन है, मंजू जी आज अपनी कक्षा में आईं और आते ही उन्होंने बच्चों को पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। पूरा पाठ एक बार जोर जोर से पढ़ने के बाद उन्होंने उत्तर बोर्ड पर लिख दिए और बच्चों से उत्तर कॉपी में लिखने के लिए कहा। इस कक्षा में बच्चों की सक्रिय भागीदारी का समय बहुत कम देखा जा सकता है। आप यहाँ बच्चों की सक्रिय भागीदारी का समय बढ़ाने के लिए क्या क्या कहना सही रहेगा। आपके द्वारा यहाँ पर बच्चों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या क्या कहना सही रहेगा, मतलब आपको कौन से विकल्प अच्छे लगते हैं। एक से अधिक विकल्प का आप चयन कर सकते हैं। पहला विकल्प है, बच्चों को अपनी पीछे पीछे पाठ दोहराने के लिए कहना और फिर प्रश्न के लेखन पर कार्य करवाना। अगला विकल्प है, पाठ पढ़ने से पहले बच्चों के साथ पाठ की विषय वस्तु पर चर्चा करना और उनके अनुभव सुनना। इसके बाद जो अगला विकल्प है, पाठ में आए अपरिचित शब्दों पर चर्चा करना और उन शब्दों से नए वाक्य बनाना। और जो चौथा विकल्प है वो है, पाठ पढ़ते एक अंतराल के बाद बच्चों से पूछना कि कहानी में आगे क्या हुआ होगा। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है। इस प्रश्न के हिसाब से कक्षा में बच्चों की सक्रिय भागीदारी का समय बढ़ाने के लिए हमें विकल्प दो, विकल्प तीन और विकल्प चार को फॉलो करना होगा। आप विकल्प दो, विकल्प तीन और विकल्प चार को सही उत्तर के रूप में चयनित करके सबमिट बटन दाब दें और आप पाएंगे कि आपका उत्तर पूरी तरीके से सही है। ये भाग तीन का 16वां खंड था। टोटल 16 खंड इस भाग में थे। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इस 5वें कोर्स का भाग दो समाप्त हो चुका है। अब हम लोग भाग तीन की प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। दोस्तों इस कोर्स के भाग तीन का नाम है, बच्चों की सक्रिय भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए। आइए देखते हैं कि भाग तीन में कितने खंड हैं और प्रश्न हमें किन किन खंडों पर मिलने वाले हैं। दोस्तों भाग तीन में टोटल 30 खंड हैं
और पहला प्रश्न हमें दो खंडों के वीडियो देखने के बाद प्राप्त हो रहा है, अर्थात तीसरे खंड में प्राप्त हो रहा है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि कक्षा में किस किस तरह के बदलाव लाकर बच्चों की सक्रिय भागीदारी कक्षा में बढ़ा सकते हैं। आपको विकल्प दिए गए हैं 6, इसका मतलब है कि हम एक से ज़्यादा विकल्प का चयन कर सकते हैं। नंबर 1 है बच्चों के स्तर के अनुसार गतिविधियाँ चुनकर, दूसरा है कार्य योजना बनाकर, तीसरा है समूह में, जोड़ों में और व्यक्तिगत रूप से कार्य करवाकर, चौथा विकल्प है कक्षा में बच्चों की बैठने की व्यवस्था पर ध्यान देकर के, पांचवा है कक्षा प्रबंधन के लिए कुछ विशेष संकेत चुनकर, छठवां रहेगा इस पर ध्यान देकर कि शिक्षण कार्य में कम से कम रुकावट हो। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का या इस गतिविधि का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, बच्चों की कक्षा में सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए हमें इस गतिविधि के सही उत्तर के रूप में सभी विकल्पों का चयन करना होगा। इन अपेक्षित विकल्पों को चुन करके आप अपनी कक्षा में बैठे हुए बच्चों की सक्रिय भागीदारी का समय बढ़ा सकते हैं। तो भाग 3 के लिए 1 से लेकर के 6 तक के सारे विकल्प सही हैं। नीचे आप सबमिट बटन दाब देंगे, आप अगले भाग की ओर प्रोसीड हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन 18वें खंड में आपको मिलेगा, बच्चों के बैठने की व्यवस्था से रिलेटेड है। निधि जी की मुश्किल सुलझाने के लिए किस तरह की कक्षा व्यवस्था कारगर रहेगी। वीडियो में निधि जी की कक्षा से संबंधित कुछ बातें बताई गई होंगी और उसी से रिलेटेड ये प्रश्न 18वें खंड में हमारे सामने आया हुआ है। आपको 3 चित्र दिख रहे हैं और आपको सही चित्र का चयन करना है। तो देखिए भाई, देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर पहले चित्र का चयन करेंगे, वही निधि जी की मुश्किल को सुलझाने के लिए कक्षा व्यवस्था का सबसे कारगर तरीका रहेगा। इसके बाद आप सबमिट बटन दाब देंगे, आप पाएंगे कि आपके द्वारा बताया गया उत्तर पूरी तरीके से सही है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं कि इस भाग के किस खंड में हमें अगला क्वेश्चन प्राप्त होता है। दोस्तों, अगला प्रश्न हमें इस भाग के 24वें खंड में प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन है कि आपके अनुसार गतिविधियों में रुकावट कम से कम हो इसके लिए क्या किया जा सकता है। 1 से अधिक विकल्प का चयन कर सकते हैं। कह रहे हैं कि नंबर 1, 2 गतिविधियों के बीच ज़्यादा समय न रखना। नंबर 2, 1 गतिविधि के खत्म होने पर दूसरी गतिविधि के स्पष्ट निर्देश देना। नंबर 3, 1 गतिविधि के खत्म होते ही कुछ शारीरिक व्यायाम करना और दूसरी गतिविधि के निर्देश देना। आइए देखते हैं कि 18वें खंड में आए हुए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, इस प्रश्न के सही उत्तर के रूप में आप विकल्प 1, विकल्प 2 और विकल्प 3 तीनों का ही चयन कर लेंगे और आप सबमिट बटन दाबेंगे, आप देखेंगे कि आपके द्वारा बताया गया उत्तर पूरी तरीके से परफेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन की तलाश करते हैं कि किस खंड में हमें अगला क्वेश्चन प्राप्त होगा और उस क्वेश्चन का सही हल क्या रहेगा। दोस्तों, अगला प्रश्न हमें 30वें खंड में प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन है, बच्चों की कक्षा में सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाना कैसे मदद करेगा। 1 से अधिक विकल्प का चयन कर सकते हैं। पहला है, कार्य योजना बनाने से कक्षा ज़्यादा व्यवस्थित रहेगी और अध्यापक पाठ के उद्देश्यों के अनुसार गतिविधियां तय करेंगे। इसके बाद दूसरा है कि शिक्षक के पास कक्षा के समय के अनुसार पर्याप्त गतिविधियां तैयार होंगी। अगला विकल्प है कि शिक्षक को पता रहेगा कि कौन सी गतिविधि समूह, जोड़ों या व्यक्तिगत रूप से होगी। और चौथा है कि गतिविधियों के अनुसार शिक्षण सामग्री शिक्षक के पास होगी। दोस्तों, इस अंतिम प्रश्न के सही विकल्प के रूप में आप चारों विकल्पों को चयनित कर लीजिए और आप सबमिट बटन दाबिए तो आप देखेंगे कि आपके द्वारा बताए गए विकल्प पूरी तरीके से सही है। ये क्वेश्चन संख्या 5 की जो भाग 3 थी उसका ये अंतिम प्रश्न था। खास बात इस कोर्स में ये है कि अलग से आपको एक भाग नहीं दिया गया है जिसमें प्रश्नोत्तरी रहती है कि अपनी समझ को जांचें। इस तरीके से कोर्स 5 हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, जिसमें था कि बच्चों की कक्षा में सक्रिय भागीदारी। अब हम आपसे
अनुरोध करना चाहते हैं कि यदि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आगे आने वाले कोर्स और तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिलते रहें। अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को साझा करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए और अगर कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपका दोस्त और होस्ट, जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।